जागरण कलाकार मंच कुरुक्षेत्र की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष में अंचला चौक कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का सफल आयोजन किया गया। संस्था के प्रधान लखबीर सिंह लखा ने बताया कि संस्था के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कोरोना वैक्सीनेशन का ये कैंप लगाया गया, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के 300 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन दी गई। कैंप का उद्घाटन सिविल अस्पताल से CMO संतलाल वर्मा ने किया। उन्होंने संस्था की सराहनीय कार्य के लिए सभी को बधाई दी। संस्था के चेयरमैन रवि राजन ने संस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत होने के दौरान ये संस्था सभी जागरण कलाकारों द्वारा बनाई गई, जिसमें सभी वर्ग जागरण से संबंधित सभी वर्ग, जिसमें गायक, कथावाचक, साउंड वाले, झांकी वाले और दरबार वाले, इन सभी ने सहयोग किया। इस संस्था ने जरूरतमंद परिवारों को समय समय पर राशन वे उनकी जरूरत का सामान भी वितरण किया। संस्था के मीडिया प्रभारी अजय ठाकुर ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाने के लिए डॉक्टर व उनके सहयोगियों, जिसमें डॉक्टर अनुपमा, अरविंदर, डॉक्टर प्रदीप, नर्स रजनी व सुप्रिया, आशा वर्कर सेवा इंदु तथा शिक्षा विभाग से कुलदीप मोहित धोनी ने अपना पूरा सहयोग दिया। संस्था के उप प्रधान राजपाल कश्यप ने बताया कि निःशुल्क कैंप को सफल बनाने में संस्था के सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकारी सदस्यों का बहुत योगदान रहा, जिन्होंने कई दिनों से पूरी मेहनत व लगन के साथ घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। संस्था के प्रवक्ता सीताराम कश्यप ने कहा कि कैंप के दौरान पंकज शर्मा ढोलक वादक व उनके भाई राहुल शर्मा की ओर से टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था व गिलासों की व्यवस्था की गई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकारी सदस्यों, संस्था के संरक्षक ओम भाई, सचिव मुरारी भार्गव, सह सचिव मोनू और उसके अलावा संस्था सदस्य अशोक मेहरा, विकास विक्की, संस्था के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र राजा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वैक्सीनेशन एक ऐसा मात्र साधन है जिससे हम लोगों को कोरोना की जैसी भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। इसी के संदर्भ में कल मेगा वैक्सीनेशन कैंप डे सेलिब्रेट किया गया जिले के अंदर। ये पूरे भारतवर्ष में ही प्रोग्राम चलाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसमें हमारे जिले कुरुक्षेत्र को 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट दिया गया था। हमने 123 जगह पे कैंप्स लगाए और 22,445 लोगों को कल वैक्सीनेट किया, जो कि 112% टारगेट का बनता है। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट रही कल। और ये जो वैक्सीनेशन कैंप्स हैं ये आगे भी चलते रहेंगे। जैसे आज यहाँ मंदिर में भी एक स्पेशल कैंप रखा गया है, इसमें अजय ठाकुर जी ने पूरा सहयोग किया है, इन्होंने अरेंज करवाया है और आज हम सक्सेसफुल है ये कैंप शुरू करने में। आज भी यहाँ पे लगभग 200-250 लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ये जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये हमारी मदद के लिए, सबके लिए है। एक भयंकर बीमारी कोरोना जो लोगों को पिछले दिनों में तंग कर रही थी, इन दिनों इसको ख़त्म करने के लिए एक तरह से ये वैक्सीनेशन एक कारगर उपाय है। सर, कुरुक्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं की बात करें तो सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है वैक्सीनेशन कैंप को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कल राधा स्वामी जो ग्रुप है पूरा, उन्होंने बहुत सारे कैंप्स लगवाए हैं। और भी काफ़ी लोग जो ना सामने आते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। ये एक जागरूकता है जो हम समझ सकते हैं कि इससे जो है ना हम लोगों को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना हो भी जाता है ना तो फैटल नहीं होगा, खतरनाक या घातक नहीं होगा, तो उससे बचा जा सकता है। सर, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो क्षेत्र में भी 3 केस अभी डिटेक्ट हुए हैं। और ये जो 3 केस जो जिले के अंदर निकले हैं, इनको हमने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया वहाँ पे, और ये अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर कोई ऐसा संभावित केस आता है तो वो तुरंत अपना चेकअप करवाएं और वो ट्रीटमेंट। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय CMO साहब का, जिन्होंने हमारी इस प्रार्थना को समझा और यहाँ पे हमें मौका दिया कि हम भी लोगों की सेवा में अपना एक छोटा सा प्रयास कर सकें। और मैं अपनी संस्था का जहाँ तक बताना चाहूँगा, मेरी संस्था जागरण कलाकार कल्याण मंच कुरुक्षेत्र, जो कि पिछले कोरोना काल जब शुरू हुआ था उस टाइम हम सब ने मिलजुल के बनाई थी, हमारे सभी जागरण कलाकार जितने भी हैं इन सब ने मिलकर बनाई थी। और यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करें, और उसी प्रयास में हमने इससे पहले भी कई कार्य किए जिसमें आम जनता का, गरीब लोगों का कहीं ना कहीं भला हो सके। और उसी उपलक्ष्य में आज हमारी संस्था को लगभग
एक साल हो चुका है और इस एक साल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने ये कोरोना महामारी का जो वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, तो इसमें मेरे साथी सभी का सहयोग, मैंने अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो स्पेशल अजय ठाकुर जी, हमारे रवि राजन जी चेयरमैन साहब, संरक्षक ओम भाई जी और उप प्रधान हमारे राज साउंड वाले, और साथ में राजा जी, मोनू जी, मुरारी जी, इन सब का बहुत सहयोग, साथ में हमारे प्रवक्ता सीताराम जी, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने एकजुट होके ये इतना अच्छा प्रयास किया है। और अगर ऐसे ही लोगों का साथ रहा तो हम जल्दी से जल्दी एक और कैंप का भी आयोजन करेंगे।